हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे। तो कल देखिए, हम लोगों ने शुरू किया था एक नया सा चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी। इस वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था वर्क को लेकर के, कि वर्क बेसिकली होता क्या है ना। तो उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं फिर, टाइम ना ख़राब करते हुए, कि आगे अभी क्या क्या हो सकता है। तो आ गए हम लोग अपने पेज पे और शुरुआत कर दी। देखिए, कल हम लोगों ने जो बात किया था उसमें था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई फोर्स कांस्टेंट ना हो, यानी पोजीशन का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, यानी वेरिएबल फोर्स हो, ऐसे फोर्स में हम कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए, एक पहले तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पे हमने आपसे कह दिया कि भाई कोई फोर्स हो गया जो हमें दे दिया गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी ये जो फोर्स दिख रहा है वो एक्स और वाई का फंक्शन हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, दोनों चेंज होते हैं तो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग वर्क को कैसे कैलकुलेट करें? तो फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज गिवेन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट है ए, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है एक्स वन कॉमा वाई वन, और हमें इसी फोर्स से इसे शिफ्ट करना है इस पॉइंट बी पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स टू कॉमा वाई टू। तो अब जब हमें वर्क कराना होगा बाय द फोर्स, तो देखिए यहाँ पे दो दो कोऑर्डिनेट हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट किसी प्लेन में होंगे। अब ये दोनों ही पॉइंट अगर किसी प्लेन में होंगे तो फिर जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, यानी उसमें भी दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो हमने यहाँ से कह दिया कि भाई ये हो गया थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिया हमने, और कह दिया ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये होना चाहिए भाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यानी ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें भी दोनों कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट भी लिख लिया हम लोगों ने, फोर्स भी लिख लिया। वर्क लिखना चाहें तो अब लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो ये हो गया देखिए डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ, तो ये हो गया भाई एफ एक्स, यानी एफ का जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ पे लिख देंगे साथ आई कैप प्लस, ये हो गया वाई कंपोनेंट, और ये रहा जे कैप, साथ में लिखते डी एस। तो डी एस क्या है हमारे पास में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब इनके डॉट प्रोडक्ट की से अगर हम लिखें वर्क को, तो एफ एक्स हमें गिवेन है एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स, तो हमने लिख लिया भाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर लेंगे। प्लस देखिए एफ वाई कितना गिवेन है वाई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डी वाई, तो यहाँ पे फिर हम लोग लिख लेंगे भाई वाई एंड डी वाई, इंटीग्रेट कर लेंगे। इनिशियल लिमिट क्या है इसकी एक्स वन से एक्स टू, और ये हो गई वाई वन से वाई टू। तो ये वर्क हमें यहाँ पे मिल जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लिख लेंगे इसकी एक्स वन से एक्स टू, प्लस y को इंटीग्रेट कर लेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू, इसकी भी लिमिट हो गई वाई वन से वाई टू। तो यहाँ पे वर्क मिल गया हमको हाफ एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, प्लस हो गया हाफ वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर, यानी इस तरीके से वर्क को कैलकुलेट करेंगे। इन जनरल जब हमें फोर्स गिवेन होगा एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जैसे यानी
ऐसे समझ लीजिए फोर्स गिवेन है हमको एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, साथ में करेंगे डी एक्स और इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा वर्क। और ये तो बेसिक बात हो गई, और ये एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा देखते हैं भाई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। अब नेक्स्ट के लिए यहाँ पे देखिए, यानी अगर मान लीजिए हमें फोर्स गिवेन हो इस तरीके से, कुछ कह दिया जाए कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस एक्स अपॉन एल, यानी फोर्स इज गिवेन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन टू डिस्प्लेसिंग द बॉडी, टू डिस्प्लेसिंग लिखा टू डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एल, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एल। तो हम लोग अपने उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि डे डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, और ये हो गया भाई डी एक्स, यानी फोर्स इज गिवेन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ नॉट और एल क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हमने फोर्स की जगह पे लिख लिया भाई एफ नॉट वन माइनस एक्स अपॉन एल, और फिर ये कर दिया हमने डी एक्स। तो ये हो गया भाई एफ नॉट डी एक्स माइनस एफ नॉट अपॉन एल, और ये रहा डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट आपको पता है भाई, यानी जीरो से थ्री एल, तो लिमिट हो गई भाई, इसको भी इंटीग्रेट कर दे जीरो से थ्री एल। तो जब जीरो से थ्री एल इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो गया भाई एफ नॉट एक्स लिमिट भाई जीरो से थ्री एल माइनस एफ नॉट अपॉन एल कर लिया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट हो गई जीरो से थ्री एल। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये तो हो गया भाई वर्क इज इक्वल टू थ्री एफ नॉट एल, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस नाइन बाई टू एल स्क्वायर अपॉन एल, और ये रहा एफ नॉट। अब इनको अगर माइनस कर लिया जाए तो ये मिल जाएगा आपको माइनस थ्री बाई टू एफ नॉट एल, यानी ये हो गया वर्क। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, फोर्स अगर फंक्शन में दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एंजॉय कीजिए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चलो हम लोग फिर देख लेते हैं। अब और आगे देखते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ से हटा दिया और ये आ गया भाई दूसरा, यानी जब फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा। अच्छा, वेरिएबल फोर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ऑलरेडी आपको गिवेन हो कि ये एक्स पॉइंट वाई एक्सिस यहाँ पे कोई पॉइंट है, और ये आपको बता दिया गया कि भाई ये इसका पोजीशन वेक्टर है, जो हो गया भाई एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे गिवेन है बी, इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर टू वो हो गया भाई एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, अब हमें यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके हमको यहाँ पे लाना है, तो ये इतनी सी डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट होगी, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर, यानी आर टू माइनस आर वन। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो X में X कोऑर्डिनेट माइनस होगा, यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे X2 माइनस X1 I कैप, फिर Y में Y कोऑर्डिनेट को माइनस करते तो ये हो गया था प्लस Y2 माइनस Y1, और लिखते J कैप प्लस
जेड में जेड कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेते तो हो गया था जेड टू माइनस जेड वन और ये हो गया के कैप। सपोज यहाँ पे जो डिस्प्लेस करके ए से बी पॉइंट पे लेकर के आ रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको गिवेन है कुछ इस फॉर्मेट में कि एफ इज इक्वल टू, यानी गिवेन है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, यानी ये भी थ्री डायमेंशनल फोर्स हो गया। तो अब इस फोर्स के वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अपना बेसिक वही फॉर्मूला लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे आई आई वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे जे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और के के वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ वर्क मिल जाएगा हमको एफ एक्स और ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन प्लस लिखते भाई एफ जेड और ये हो गया जेड टू माइनस जेड वन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे कितना वर्क होगा। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो फिर और कुछ बातें करते हैं हम लोग आगे जिससे समय भी ना खराब हो। तो आगे आगे चल के हम लोग, अब हमने यहाँ पे देखो लिख दिया भाई वर्क डन बाय टेंशन, यानी यहाँ पर भी एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमने आपको लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो होता है, लेकिन वर्क डन बाय टेंशन नहीं ज़ीरो होता है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक ऑफ ए सिस्टम ही ज़ीरो होता है, यानी जितने भी ब्लॉक होते हैं सिस्टम में सब पे जो टेंशन का वर्क होता है वो ज़ीरो होता है, यानी इंडिविजुअल ब्लॉक पे टेंशन का वर्क ज़ीरो नहीं होगा। अब यहाँ अगर हम वर्क डन बाय टेंशन की बात करें, सपोज यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि यहाँ एक ये पुली हो गई और इस पुली से हमने किसी ब्लॉक को ऐसे हैंग करके रखा हुआ है, तो ये हो गया भाई देखो ब्लॉक और इस ब्लॉक को ऐसे हैंग करके रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है एम और ये हो गई भाई स्ट्रिंग। अब यहाँ से हम स्ट्रिंग को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, कुछ ऐसे रिलीज करेंगे कि ये ब्लॉक हमारा ए नॉट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ए नॉट एक्सेलरेशन से जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और कितना इसको शिफ्ट करना है इस ब्लॉक को, हमने कह दिया भाई एक्स, यानी इस पोजीशन से एक्स डिस्टेंस से नीचे करना है, लोअर करना है। तो इस कंडीशन में अगर हम टेंशन को चेक करें तो यहाँ जो टेंशन होगा वो टेंशन हो गया देखो स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक का ये हो जाएगा वेट एम जी, ब्लॉक हमारा डाउनवर्ड जा रहा होगा ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो यहाँ टेंशन हमको मिल जाएगा एम, यानी टेंशन उधर ले जाइए ए को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा जी माइनस ए नॉट, यानी इतना टेंशन हो जाएगा। अब देखिए टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हो गए तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ अगर हम वर्क लिखें तो ये हो जाएगा टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, साथ में लिखते कॉस 180, और ऐसी कंडीशन में टेंशन की जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया जी माइनस ए नॉट, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स और कॉस 180 की बात करें तो कॉस 180 हो गया माइनस वन, तो यहाँ पे एक माइनस लगा लेंगे, यानी वर्क हो गया माइनस एम जी माइनस ए नॉट इंटू एक्स, इतना चाहिए वर्क हो गया। अब इसका उल्टा भी सोच सकते हैं हम लोग, उल्टा अगर सोचने की बात है तो देखिए इधर देखते हैं कि ये हो गई अपनी पुली और पुली से ये फिर स्ट्रिंग पास हो गई और यहाँ पे ये ब्लॉक लटका हुआ है इस बार। अब हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक को ऊपर लेकर के आए और कितनी डिस्टेंस ऊपर लेकर के आए इसको x, यानी इस ब्लॉक को हम ऊपर पुल करके लाना चाहते हैं कितनी डिस्टेंस x। ऐसी कंडीशन में अगर हम टेंशन को देखें किधर होगा,
तो पता चला कि टेंशन जो है टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, वेट इसका जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस बार ये जो ब्लॉक हमारा ऊपर मूव कर रहा है वो टेंशन के डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे टेंशन का वर्क क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा। चलिए टेंशन कितना होगा पहले वो बात करते हैं। तो अगर ये ब्लॉक हमारा ए नॉट एक्सेलरेशन से, ब्लॉक ए नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके लिए टेंशन ज़्यादा और एमजी कम हो गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टी माइनस एमजी इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो टेंशन मिल जाएगा हमको जी प्लस ए नॉट, टेंशन मिल गया एम जी प्लस ए नॉट, यानी इतना सा टेंशन हो गया। तो जब हम वर्क की बात करेंगे तो ये हो गया टेंशन इंटू एक्स इंटू कॉस ज़ीरो। अब कॉस ज़ीरो तो प्लस वन होता है, टेंशन की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी होगी, जी प्लस ए नॉट, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। तो यहाँ पे वर्क कैसा मिल गया हमको, पॉजिटिव। तो वर्क तो पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी होता है, यानी अब ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो होगा, समझ गए भाई। तो ये था वर्क डन बाय टेंशन। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्स का हमें वर्क लिखना होता है। तो अभी हम यहाँ पे लेकर के आते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो फिर हम लोग देखते हैं भाई। अब हम लिखते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो जहाँ तक बात है भाई स्प्रिंग की, तो ये हो गई देखो भाई स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है इतनी सी एल, तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हो गई एल। अब अगर इसे हम थोड़ा सा डिफॉर्म करना चाहें, डिफॉर्म करना चाहें तो फिर हमें पुल करना पड़ेगा, और हम पुल कर रहे हैं इट मीन्स हम क्या हो गए, एक्सटर्नल एजेंट। आप अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, एक्सटर्नल एजेंट हो गए। तो अब इस एक्सटर्नल एजेंट ने इधर इसको डिफॉर्म करना शुरू किया, तो फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन से मतलब है कि हमने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया या हमने स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किया, तो ये हो गया डिफॉर्मेशन। तो स्प्रिंग का फोर्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, यानी यहाँ अगर डिफॉर्मेशन कम होगा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग का फोर्स भी कम होगा या ज़्यादा होगा, यानी स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो वेरिएबल फोर्स, समझ गए भाई। अब यहाँ पे अभी हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है x, तो फिर f इज इक्वल हो गया kx, एक्स के क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, और इस कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हो गया फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन, मतलब इसकी अगर यूनिट लिखने की बात हो तो हो गई न्यूटन पर मीटर, और अगर इसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर ये हो जाएगा एम टी माइनस टू। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। हालांकि हमारा ये पर्पज नहीं था कि हम के का डायमेंशनल फार्मूला बताएं, बट के की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। अब देखिए हम इधर फिर वापस आ गए, मान लीजिए हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, यानी पहले इसे स्ट्रेच किया गया था एक्स, अब इसे हमने कर दिया भाई डी एक्स। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल एजेंट। अब जितना यहाँ एक्सटर्नल एजेंट का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इस पेन को अगर हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें मिनिमम उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना इस पेन का वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड। लगा तो हम इससे ज़्यादा भी सकते हैं, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिनिमम, या मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो जब हम यहाँ एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स और स्प्रिंग डिफॉर्म होने का अपोज कर रही होगी, तो इधर हो गया भाई स्प्रिंग का फोर्स, तो कुल मिला करके यानी एफ एक्सटर्नल मिनिमम
और एफ स्प्रिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए के एक्स, क्योंकि अगर स्प्रिंग फोर्स से कम फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग फिर स्ट्रेच नहीं होगी, समझ गए भाई। तो हमारा जो मिनिमम फोर्स है वो कितना होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल मिनिमम इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स और होना कितना चाहिए के एक्स। अब हमें फोर्स भी पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने डी एक्स। अब अगर हम लिखें डी डब्ल्यू एक्सटर्नल तो ये एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क होगा, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल मिनिमम इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया डी एक्स। अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट की जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री। यानी यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होने वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्सटर्नल एजेंट के मिनिमम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, के एक्स। तो हमने यहाँ पे तुरंत लिख दिया भाई के एक्स, फिर कर दिया डी एक्स और इंटीग्रेट कर लिया। अब मान लीजिए हम इसे स्ट्रेच कर रहे होते एक्स वन डिस्टेंस से एक्स टू डिस्टेंस के लिए, तो लिमिट क्या हो गई हमारे पास एक्स वन से एक्स टू। अब इसे इंटीग्रेट करते तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ये हो गया यहाँ पे हाफ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो गया यहाँ पे हाफ के, और ये हो गया एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। तो ये हो गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। अब यहीं पे फिर से अगर हम बात करें कि स्प्रिंग का कितना वर्क होगा, ये जो वर्क है ये तो एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क है। अब एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है और स्प्रिंग का जो फोर्स है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। बट स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है देखिए इधर टुवर्ड्स लेफ्ट और स्प्रिंग इधर मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होता, 180 डिग्री। तो स्प्रिंग का वर्क क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कैसा वर्क होगा, नेगेटिव होगा। और दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही वर्क करेगी जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, बट दोनों का वर्क एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। यानी यहाँ पर भी जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नेट वर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वर्क डन बाई स्प्रिंग होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग वो होना चाहिए माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल मिनिमम के बराबर, या फिर होना चाहिए माइनस हाफ के, और ये हो गया एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। तो ये होना चाहिए वर्क डन बाय स्प्रिंग और ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दोनों इक्वल वर्क करेंगे, एक पॉजिटिव वर्क करेगा दूसरा नेगेटिव करेगा, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स जीरो है इसलिए नेट वर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अभी इस स्प्रिंग में थोड़ा कुछ और डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब अभी हमने आपको लिमिट बताई थी कि x1 से हम कितना खींच पुल करना चाहते हैं x2, अब मान लीजिए हमने कह दिया कि x1 इज इक्वल यहाँ पे जीरो है लेकिन x2 क्या है x, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होना चाहिए, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होना चाहिए, फिर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बात समझ गए होंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें थोड़ा कुछ और डिस्कशन करते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हमने कह दिया कि सपोज एक्स वन यहाँ पे जीरो है लेकिन x2 हमने जो पुल किया है वो है 1 सेंटीमीटर, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें वर्क करना होगा यानी एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना होगा तो w एक्सटर्नल क्या होगा, तो वो लिख रहे होते हैं हम लोग हाफ के, और ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, कुल मिला के क्या मिला k बाई 2। तो ये रहा भाई w एक्सटर्नल कितना हो गया, 1 लिख दिया हमने w1। फिर देखते हैं भाई
अब यहीं पे अगर हम कहें आपसे कि अब हमने इस स्प्रिंग को यानी जो एक्स वन है वो ऑलरेडी अब इस समय हम एक सेंटीमीटर इसे पुल कर चुके हैं और आगे एक सेंटीमीटर और पुल करना चाहते हैं, तो भाई एक्स वन कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, एक्स टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा हमने कहा डब्लू टू हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ के, और यहाँ 2 का स्क्वायर लिखते हैं -1 स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा हमको 3K/2। अभी भी अगर नई बात समझ में आई तो एक और देखते हैं। फिर मैंने कह दिया कि सपोज एक्स वन अब तो खींच के 2 सेंटीमीटर हो चुका है और एक्स टू अब हम करना चाहते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी पहले मैंने 0 से 1 सेंटीमीटर पुल किया, फिर 2 से 3 मतलब फर्दर 1 सेंटीमीटर और पुल किया, अब 2 से 3 सेंटीमीटर यानी और फर्दर 1 सेंटीमीटर अगर इसे हम पुल करें तो वर्क क्या होना चाहिए W3, और ये हो गया हाफ के। अब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करते तो ये आ जाता 5K/2। यानी हम समझ गए कि हर 1 सेंटीमीटर में जो हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में वर्क करेंगे उस वर्क का जो रेशियो है वो होना चाहिए, किस रेशियो में होना चाहिए, तो कहेंगे ये होना चाहिए 1:3:5:7। समझ गए भाई, यानी इस रेशियो में, यानी पहले 1 सेंटीमीटर पुल करने में हमें अगर 10 जूल कम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा 10 जूल, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में हमें 30 जूल वर्क करना पड़ेगा, एंड फर्दर 1 सेंटीमीटर में फिर हमें 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क देखिए इंक्रीज होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फोर्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो ये होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है क्या स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव वर्क करेगी, यानी यहाँ तो हमने लिख दिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है, तो फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो क्या हमेशा ही स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगी, तो ऐसा भी नहीं है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अब जैसे ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की हो गई रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन मतलब यहाँ पे स्प्रिंग हमारी ना तो स्ट्रेच है और ना ही कंप्रेस है। अब अगर हम यहाँ से इस स्प्रिंग को पुल करना शुरू करते, ऐसे पुल करके हम यहाँ लेके जाते, तो अब हम यहाँ से इसको पुल करके ले जा रहे हैं, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अब देखिए ये स्प्रिंग को अगर वहाँ से रिलीज किया जाए, छोड़ दिया जाए, अब यहाँ से अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स था, तो अब जो स्प्रिंग वर्क करेगी वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब स्प्रिंग कैसा वर्क करेगी, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आएगा रिलैक्स पोजीशन में स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए स्प्रिंग अभी हमारी रुकी नहीं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अभी भी मूव कर रही है, तो अब स्प्रिंग क्या हो रही होगी, कंप्रेस हो रही होगी। अब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग का फोर्स जो है ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यानी अब किधर लगेगा, ये बाहर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अब फिर ये हमारी स्प्रिंग जो है वो नेगेटिव वर्क करेगी। अब कैसा वर्क करेगी, नेगेटिव करेगी। और अगर इसे कंप्रेस करने में हम हेल्प कर रहे होते, यानी हम इसे कंप्रेस कर रहे होते, तो फिर से हमारा वर्क क्या हो जाता, पॉजिटिव। यानी जब हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पॉजिटिव होगा, तो स्प्रिंग का वर्क फिर नेगेटिव होगा, और जब स्प्रिंग का वर्क पॉजिटिव होगा तो हमारा वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं किसी दिन आपको स्प्रिंग का एक सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा, तो आप उसमें से बाकी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अभी आ गए, अब देखिए अगर वर्क की बात किया जाए तो हमने वर्क को लिखा था F.ds, यानी F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब
जब एफ डॉट डी एस है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट तो है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें कहीं ग्राफ मिल जाता है, अगर हमें कहीं ग्राफ मिल जाता है जिसमें एक तरफ फोर्स लिखा हो और दूसरी तरफ लिखा हो भाई डिस्प्लेसमेंट, अब ऐसा अगर कोई ग्राफ हमें दिखता है तो कोई बात नहीं, दिखने में तो कोई बुराई है नहीं। अब ये अगर हमको वर्क दिख गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिख गया, तो हम करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस ये देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स वन से क्या हो गया एक्स टू, यानी ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फोर्स लिखा होगा उसकी वैल्यू दिख जाएगी, तो हम लोग इसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये एरिया हमको मिल गई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जितनी भी एरिया आएगी, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क। तो अगर हमें कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिखता है तो हम उस ग्राफ की एरिया कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी एरिया होगी वो वर्क हो जाएगी। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, कभी कभी आपको धोखा देने के लिए होगा क्या कि हमने जैसे बना रखा है, बना तो ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे अगर फोर्स कर दिया और इधर लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, और अब पता चला कि वो ऐसे ग्राफ बना दिया है ना। अब ऐसे अगर ये ग्राफ बन गया तो फिर ये एरिया हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स क्या है देखो कॉन्स्टेंट दिख रहा है, और ये इतना सा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अब हमें ये एरिया निकालनी पड़ेगी। अब ये जो एरिया होगी वो वर्क होगी, समझ गए। फिर एक बात, इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रही है उस एरिया को कैलकुलेट करना है, और वो जितनी भी एरिया होगी वही उस फोर्स का वर्क होगी। फिल आउट करके हम लोग आगे, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा था कि वर्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो क्या यहाँ पे हर समय वर्क पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी फोर्स नेगेटिव, यानी यहाँ पर भी वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव की क्या कंडीशन है, अब हम लोग उधर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यानी ये फिर से यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गई यानी डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है फोर्स। और सपोज इस बार ये जो एरिया बनी हुई है वो ऐसे हमको एरिया दिख गई, यानी ये हमको ग्राफ दिख गया। अब ऐसा अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिखता है तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन की फिर कोई बात नहीं, फिर आराम से सोचो, ये वाली जो एरिया है ये तो पॉजिटिव होगी, इधर वाली ये जो एरिया दिख रही है ये तो नेगेटिव होगी, अब ये जो एरिया हमको दिख रही है ये फिर पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा इसकी एरिया, यानी डब्लू वन हो गया एरिया नंबर वन, यहाँ जो वर्क होगा वो हो गया एरिया नंबर टू, और ये जो वर्क हो गया डब्लू थ्री होगा वो होगा एरिया नंबर थ्री। अब ए टू यहाँ पे नेगेटिव है, इट मीन्स ये जो डब्लू टू है वो क्या होगा नेगेटिव होगा, यहाँ पे ए वन पॉजिटिव है तो डब्लू वन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ भी एरिया पॉजिटिव है, यहाँ भी एरिया पॉजिटिव है, तो यहाँ जो वर्क हो रहा है वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अब टोटल वर्क क्या होगा, वर्क तो ये स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड करते हैं हम लोग, तो जब टोटल वर्क देखेंगे तो ये हो जाएगा ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, और इस तरीके से हम लोग एरिया कैलकुलेट किया तो वर्क हमें मिल गया, यानी एरिया से क्या मिलेगा वर्क, और एरिया कैलकुलेट करते ही हमारा वर्क आ गया और हम खुश हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो चलो एक क्वेश्चन हम आपको यहीं पे देते हैं बढ़िया सा। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने दे दिया भाई एफ इज इक्वल, फिर से मैंने वही लिख दिया एफ इज इक्वल क्या है, एफ नॉट वन माइनस एक्स अपॉन ए, और कह दिया फाइंड वर्क डन बाई फोर्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री ए, क्योंकि यही अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। और यहाँ पे एफ नॉट एंड ए ये हैं कांस्टेंट। तो भाई जैसे ही हमको ये इक्वेशन मिली कि एफ इज इक्वल टू एफ नॉट ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन ए, तो इसे अगर हम लिखते तो यहाँ पे हो गया था देखो एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस एक्स अपॉन ए, ब्रैकेट ओपन करते होता एफ नॉट माइनस एफ नॉट एक्स अपॉन ए, और थोड़ा सा अगर ऐसे अरेंज कर लिया जाए कि एफ इज इक्वल माइनस एफ नॉट अपॉन ए इंटू एक्स प्लस एफ नॉट, तो इसे हम कंपेयर कर सकते थे वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी हम यहाँ पे फोर्स और एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ बन गया तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो वर्क मिल जाएगा हमें। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाने की सोची भाई, तो ग्राफ में देखिए स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव हो गया क्योंकि माइनस है एम, तो नेगेटिव स्लोप का एक ग्राफ बना लेते भाई। तो ग्राफ जो बन के तैयार हो गया वो ऐसे ये बन गया भाई। अब यहाँ पे तो लिखा होगा इतना हो गया भाई एफ नॉट, ये हो गया भाई एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, और यहाँ जाते जाते चले गए तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू थ्री ए। अब कहेंगे आपको कैसे पता चला एक्स इज इक्वल टू ए, हाँ तो भाई यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है ज़ीरो। अब यहाँ फोर्स ज़ीरो हो रहा है, हम इस फोर्स को अगर ज़ीरो लिखें तो पता चलेगा एक्स इज इक्वल टू ए पे फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इतनी डिस्टेंस हो गई ए, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई थ्री ए, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं रह गई और आंसर भी आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब इतनी डिस्टेंस क्या हो गई ए, और इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर टू ए हो जाएगी। तो ये इतनी डिस्टेंस फिर क्या होना चाहिए, टू एफ नॉट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये स्लोप और ये स्लोप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है भाई। तो अब इसकी एरिया को अगर हम कहते ए वन, तो ए वन यहाँ पे मिलने वाला है भाई हाफ बेस इंटू हाइट करते, ये हो गया हाफ, बेस हो गया ए, हाइट हो गया एफ नॉट, और ये वर्क जो है डब्ल्यू वन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इधर वाली एरिया निकालें ए टू, तो ये हो गया हाफ, बेस हो गया भाई टू ए नॉट, और फोर्स हो गया टू एफ नॉट, तो यहाँ पे भी मिल गया टू एफ नॉट ए नॉट, यानी ये हो गया ए टू। बट ये वाला जो वर्क है डब्ल्यू टू वो कैसा है, कहेंगे ये तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक वर्क नेगेटिव है और एक वर्क कैसा है पॉजिटिव। तो फिर टोटल वर्क के लिए चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इतनी जगह का इस्तेमाल करते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाता ए वन माइनस ए टू, और ए वन यहाँ पे मिल गया हमको एफ नॉट ए अपॉन टू, और ये हो गया माइनस टू एफ नॉट ए, तो आंसर आ गया भाई माइनस का थ्री बाई टू एफ नॉट ए। समझ गए भाई, नेगेटिव वर्क मिल गया। तो एरिया से भी हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं, और आगे एरिया से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का भी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी वर्क की बात चल रही है तो वर्क ही वर्क देखते रहते हैं, जैसे ही वर्क से रिलेटेड बेसिक सारी बातें ख़त्म होंगी फिर हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ठीक है भाई, फिर उम्मीद है कि ये चीज़ें आपने जो आज देखी वो कुछ समझ में आई होंगी। तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, क्योंकि आज थोड़ा गला भी ख़राब है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए समझने के लिए आप लोग
तक्षशिला एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने डाउट्स क्लियर करें। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।